कोरोना वायरस का कहर जैसे जैसे दुनिया में बढ़ता जा रहा है, वैसे ही इसको लेकर वैक्सीन की मांग भी बढ़ रही है। बीते दिनों कई विशेषज्ञों के बयान से उम्मीद जगी थी कि इस साल के अंत तक कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन आ सकती है, लेकिन अब ब्रिटेन के एक मंत्री ने बयान दिया है कि ऐसा संभव होना मुश्किल ही है कि जब इस साल के अंत तक हमारे पास कोरोना से लड़ने की कोई वैक्सीन हो। ब्रिटेन के मंत्री डोमिनिक राब ने रविवार को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि कोरोना वायरस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इस ओर कदम बढ़ रहे हैं। एक वैक्सीन बनाने पर भी काम जारी है, लेकिन उसका इस साल आना संभव नहीं है। मंत्री ने कहा कि इस वक्त सबसे जरूरी है कि लोगों का टेस्ट करवाया जाए ताकि इससे पता चल सके कि आखिर वायरस किसे है और कितना फैला हुआ है। ब्रिटिश मंत्री का वैक्सीन में देरी को लेकर दिए गए बयान ने एक नई बहस को जन्म दिया है, क्योंकि ये बयान ठीक तब आया है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की वैक्सीन पर टेस्टिंग शुरू हुई है। एक महिला को वैक्सीन दी गई है और अब नतीजों का इंतजार है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर वैक्सीन पर स्टडी कर रही है, साथ ही साथ टेस्टिंग भी जारी है। टेस्टिंग से पहले यूनिवर्सिटी का दावा था कि अगर सब कुछ सही रहा तो सितंबर तक वैक्सीन आ सकती है और दिसंबर तक इसे इतनी मात्रा में बनाया जा सकता है कि ये दुनिया को दी जा सके। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी की ओर से पहला टेस्ट अप्रैल में शुरू हुआ, जिस पर 2 महीने काम होगा। उसके बाद जून में दूसरा टेस्ट किया जाएगा और अगस्त में फाइनल टेस्टिंग शुरू होगी, यानी सितंबर के अंत तक ही ये पक्का हो पाएगा कि कोरोना वायरस को मात देने वाली वैक्सीन सफल हो पाई है या नहीं। कोमल के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।